वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है। यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी रहेगी। अगर कोई भी मध्यकालीन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमारी जो ये वीडियो है ये वन डे एग्ज़ाम्स के लिए है, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम में आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से शुरुआत हुई और कब कब प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गईं। तो वो सभी जो भी युद्ध वगैरह हुए हैं वो सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के कुछ पार्ट होने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो का पहला पार्ट बना रहे हैं। और इसको हमने एक अलग प्ले लिस्ट बना दी है जिसका नाम है मेडिवल हिस्ट्री शॉर्ट ट्रिक्स, और ये आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेडिवल हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण कब कब हुआ, और ये फ्रेंड्स एकदम सीक्वेंस वाइज है वीडियो, यानी कि आज जो वीडियो मिल रही है ये शुरुआत से है, यानी कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण से, और एंड तक चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, जैसे कि हम जानते हैं जनरली हमसे ट्वेल्थ में पूछा जाता है, यानी कि आपसे कोई पूछता होगा तो आपने ट्वेल्थ में क्या लिया है, पीसीएम, पीसीबी या कॉमर्स या आर्ट्स। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट बोलते हैं जी सर हमने पीसीएम लिया है, तो शॉर्ट ट्रिक यहीं से स्टार्ट होती है। तो जो पी एम सी एच यानी कि फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, शॉर्ट ट्रिक कुछ कुछ इस तरीके से, एक तारा, दो तारा और चंदा में चंद हारा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री और एक तारा, दो तारा, चंदा में चंद हारा। तो ये जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं वो इस तरीके से हैं, पी पी से है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर तीन पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, तो पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान से मशहूर माना जाता है, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज ने गौरी को हराया एक तारा, यहां पर जो एक तारा है इसका मतलब है तराइन युद्ध में, तराइन युद्ध यानी कि एक तारा। फ्रेंड्स इसकी डेट आपको याद करनी पड़ेगी, एक तारा युद्ध में 1191 ईस्वी में। दूसरा एम यानी कि मैथ यानी मोहम्मद गौरी, तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, कहाँ पर, दो तारा यानी द्वितीय तराइन युद्ध, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है दो तारा। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया किसमें, द्वितीय तराइन युद्ध में। और ये कब हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ 1192 ईस्वी में। अब आते हैं सी एच, सी एच जो हमने केमिस्ट्री याद किया है इसका है जयचंद, जयचंद की पराजय गौरी से कहाँ हुई, चंदावर के युद्ध में। तो जयचंद कहाँ हारा, जयचंद की पराजय मोहम्मद गौरी से कहाँ हुई, मोहम्मद गौरी कहाँ हुई है इसकी पराजय, चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध। और ये कब हुआ है, 194 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स देखिए आपने कितना आसान है ये, एक तारा, दो तारा, चंदा में चंदहारा, एक तारा प्रथम तराइन युद्ध पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, दो तारा यानी द्वितीय तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, चंदा में चंदहारा यानी कि जो जयचंद थे वो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारे थे 1194 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अब बात करते हैं दूसरी शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश कौन कौन से रहे हैं।
तो जो सेकंड ट्रिक है वो इस तरीके से है कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश राजवंश जो हैं कौन कौन से हैं। दिल्ली सल्तनत, ये हम इसे सल्तनत काल भी कह देते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख राजवंश। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। ये शॉर्ट ट्रिक आपको मेमोराइज करा देंगे। दूसरा क्या है कि आपको याद हो जाएगा सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ये आपको वन डे एग्जाम से बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि ये जो वन डे एग्जाम होते हैं वो जनरली आईएएस पीसीएस के नहीं होते हैं, और जो नॉर्मल लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें यही सब चीज़ होती है। और सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कब किससे लड़ाई हुई, किससे नहीं हुई, या कब कहाँ सबसे पहले कौन आया। क्योंकि बहुत सौ में यही पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए कि इनको कल जो अरेंज करिए कि सबसे पहले कौन आए थे। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा सबसे पहले कौन आया है, तो आप उसे अरेंज नहीं कर पाएंगे और आपके हाथ से नंबर चले जाएंगे। पीसीएस आईएएस में ये सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं अरेंज करने के लिए, कि जैसे अब उन्होंने चार ऑप्शन दे दिए कि खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, बताइए इनको अरेंज कीजिए ऑर्डर में कि सबसे पहले कौन आया। तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले खिलजी आए, तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोदी आए। तो चलिए फ्रेंड्स अगली शॉर्ट ट्रिक पर बात करते हैं। तो जो अगली शॉर्ट ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से है, गुल खिला के, गुल खिला के तुम सैया ला दो। समझ रहे हो फ्रेंड्स कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, गुल खिला के तुम सैया ला दो। ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी है जो थोड़े आप समझ रहे हैं ना, जो थोड़े शायर टाइप के लोग होते हैं उनके लिए, गुल खिला के तुम सैया ला दो। तो यहां पर जो गुल है इसका अर्थ है गुलाम वंश। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 ईस्वी में। दूसरा खिलजी, खिला मतलब खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तुम का तू, यहां पर क्या रहा? तुगलक वंश, तुगलक वंश, ये कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या आया है? सैया, सैया से क्या हो गया? सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश कब से कब तक रहा? 1414 से 1451 ईस्वी तक। ये 5-1 है फ्रेंड। अब आते हैं लादो, लादो से लोधी वंश, लोधी वंश, 1451 से 26। तो फ्रेंड्स आज की ये देखिए, गुल खिला के तुम सैया ला दो, गुल से गुलाम वंश, खिला के से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, सैया से सैयद वंश, और लादो से लोधी वंश। तो आज की फ्रेंड्स ये दो शॉर्ट ट्रिक्स थी जो हमने आपको मेडिवल हिस्ट्री में बताई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटे को बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब अपडेट को भी अपडेट करते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज पे भी जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। और हमारी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।